नमस्कार। हमारे देश उत्तर प्रदेश की धड़कन दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी मेजबान पारुल तिवारी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारे देश में विधानसभा चुनाव जोरों पर है और देश के कोने कोने में चर्चाएं इसकी गर्म है कि किस तरीके से हर मतदाता अपना वोट डालेगा और कोई भी इसमें चूकेगा नहीं। इस मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हमने बात की उन युवा साथियों से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका उत्साह देखकर मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूंगी वो प्रतिक्रियाएं जो उन्होंने इस आने वाले चुनाव के लिए दी हैं। मेरा नाम द्वारिकानाथ पांडे है। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहा हूं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा हूं। इसलिए मेरा सभी युवाओं से, अपने साथियों से सबसे निवेदन है जो इस बार पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, कि कृपया वो अपने घर से वोट डालने के लिए जरूर निकलें। हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। रात इंदौरी साहब का एक शेर है कि ना किसी हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो अगर हम बाहर निकलेंगे उस दिन, कतारों में खड़े होंगे, वोट डालेंगे, तो जाहिर सी बात हम अपने पसंद की सरकार को ला सकेंगे। मेरा नाम अवंतिका है और मैं BA की छात्रा हूँ। वैसे तो मेरा अभी वोट तो नहीं आया है, लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मैं लोगों को वोट के लिए प्रेरित कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी ये 17 साल है तो इस वजह से मैं वोट नहीं दे सकती। लेकिन मैं लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि वोट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मत यह है कि आप वोट देने जरूर जाइए, भले चाहे नोटा दबा के आइए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि अगर आप जो है वोट नहीं देते तो आप सरकार की किसी भी योजना में ये क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ना उसकी आलोचना कर सकते हैं ना प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो जिम्मेदार नागरिक होने का हक था वो खो दिया क्योंकि आपने वोट नहीं दिया। यूं तो कहीं सफ़ेद पोश हैं काले खोट से, लेकिन चलो यार कोशिश करते हैं, थोड़ा बदलाव लाते हैं अपने वोट से। तो ऐसा ही मान के आप जाइए, बिंदास होके वोट दीजिए, चाहे नोटा दबाइए, चाहे या फिर जो आपको कोई पसंद हो उसको दे दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। दिनकर जी, हमारे राष्ट्रकवि, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। नमस्कार, मैं अनमोल मिश्रा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, जिसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग जगह पर मतदान हो रहे हैं। तो इस नाते हम लोगों के एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं इस बार दूसरी बार वोट डाल रहा हूं और मैं भी अपने विवेक से, और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने विवेक से मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि जनता में जो ताकत है, वो किसी और में नहीं। मैं अभिषेक मिश्र, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप मतदान करने अवश्य जाएं। ये मतदान हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम अपने सरकार से जो चाहते हैं, हम अपनी जैसी सरकार चाहते हैं, अपना जैसा नेतृत्व चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक शक्ति हमको लोकतंत्र ने प्रदान की है, जो है मतदान। और मतदान करके हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये मतदान आपकी बात सुनवाने का सलीका है। अतः मेरा वोट मेरी आवाज। भैया सुन लो भौजी सुन लो, ओ भैया सुन लो भौजी सुन लो, लोकतंत्र की पुकार, चुनाव का आया जहाँ। दोस्तों, हमारी ये पूरी कोशिश है कि इस बार मतदान शत प्रतिशत हो। तो आइए चलिए हम मतदान के बारे में, चुनाव के बारे में ऐसी कुछ खास बातें बताते हैं जो आप जानना चाहेंगे।
नमस्कार, मैं डॉक्टर रविकांत, हिंदी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय से, और दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और ये अपील करना चाहता हूं कि हम तमाम लोगों को जिनकी उम्र 18 साल हो गई है उन्हें वोट जरूर डालना चाहिए। जो वोटिंग का इतिहास है उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। संविधान सभा ने एक मत से हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, वो गरीब हों, अमीर हों, पिछड़े हों, दलित हों, महिलाएं हों, आदिवासी हों, इन सब को जिनकी उम्र 21 साल थी उन्हें मताधिकार दिया गया। और इसका पहला प्रदर्शन 1952 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक वोट दिया और हिंदुस्तान का जो पूरा लोकतंत्र है उस दिन सजीव हो उठा था। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि मताधिकार की प्रक्रिया लगातार चलती रही और लोगों ने अपने इस अधिकार के बलबूते तमाम सरकारों को बदला भी है, नए राजनीतिक दलों को वो लेकर के आए हैं। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया और अचानक नौजवानों की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित होती है और बड़े उत्साह से ये जो नौजवान पीढ़ी है वो भी शामिल होती है इस पूरे राजनीतिक प्रक्रिया में और अपने जो मूल्य हैं, अपने जो मत हैं और अपने जो निश्चय हैं उनको वो बदलने के लिए सरकारों को बदलते हैं, सरकारों को बनाते हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। लेकिन एक दुर्भाग्य ये भी है कि जागरूकता की थोड़ी कमी है, बावजूद इसके क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं कि आप कैसे वोट अपना बनवाएंगे, कैसे आप वोट डालने जाएंगे, ये सारी प्रक्रियाएँ हैं। लेकिन कुछ नौजवान पीढ़ी भी थोड़ा सा इसको एक दिन छुट्टी के रूप में उसको एंजॉय करती है। लेकिन ये जो दिन है, जिन लोगों ने वोट दिया है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, जो अभी वोट डालने जाएंगे उनके लिए भी, ये दिन आपकी छुट्टी का नहीं है बल्कि आपके लिए हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बनाने का है, आपको राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का और राजनीतिक दलों को लाने का है, सत्ता बदलने का और सत्ता बनाने का है। इसलिए आप उत्साहपूर्वक जाकर के वोट ज़रूर दें, क्योंकि आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। आप तभी सरकार पर सवाल उठाने के हकदार होते हैं अगर आपने वोट दिया है। जो मताधिकार है उसमें जो भागीदारी है वो स्त्रियों की भी दिन पर दिन बढ़ रही है, जो बहुत हाशिए के समुदाय हैं उनकी भी बढ़ रही है। तो जितना वो सचेत हैं, वो ज़रूरत है कि जो मिडिल क्लास है, जो हायर क्लास है, उसको भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आगे बढ़ करके अपना अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। घर घर से निकल कर हम आगे आएंगे, देश के कल को सुनहरा बनाएंगे। घर घर से निकल कर हम आगे आएंगे, हर देश के कल को सुनहरा बनाएंगे। सोच बूझ के, सोच समझ के, सोच बूझ से सोच समझ के चुनेंगे अपनी सरकार। चुनाव का आया त्योहार, मतदान की बही रे बयार। चुनाव का आया त्योहार, चुनाव का आया त्योहार, हमने उन युवाओं से बात की जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, आइए जानते हैं उनके भी विचार। मेरा नाम नेहा रावत है और इस बार मैं अपना पहला वोट देने जा रही हूँ। और इस बार आपसे अनुरोध है कि आप उन्हीं लोगों को वोट दें जो शिक्षा पर काम करें और जो एम्प्लॉयमेंट लाएं हमारे लिए। मेरा नाम अभिषेक पाठक है और इस बार मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ। इस चुनावी लोकतंत्र में यह बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि सभी को वोट देना चाहिए, जानते सभी लोग हैं। वोट देने का अधिकार सभी को है जो 18 साल से ऊपर है, और मेरा मानना यह है कि वोट केवल उम्मीदवार का जीत तय नहीं करते, ये लोकतंत्र का भविष्य भी तय करते हैं। तो मेरा सभी युवाओं से ये निवेदन है कि वो जाकर वोट जरूर दें। मैं प्रीति गुप्ता, ये मेरा प्रथम विधानसभा चुनाव के लिए ये मेरा प्रथम बार वोट देना है मुझे।
मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगी कि वो अपने वोट का वोट जैसे महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करें और अपने आसपास के सभी युवाओं को जागृत करें। मैं शैलेंद्र यादव, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 4 चरणों में चुनाव हो चुका लेकिन वोटिंग प्रतिशत बढ़ी नहीं है, जिससे कि लोकतंत्र के त्यौहार को जैसे चुनाव को लोकतंत्र का त्यौहार माना जाता है, तो इस त्यौहार का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के लोग। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का उपयोग करें। अतः माताएं, बहनों व भाइयों एवं दादा एवं वृद्धजनों से मेरी यही अपील रहेगी कि सभी लोग वोट कीजिए। मेरा भी पहला वोट है, इसीलिए मैं अति उत्साहित हूँ कि अपना वोट दूँ, लोकतंत्र में लोकतंत्र का हिस्सा बन सकूं। मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं इस बार पहली बार मतदान करने जा रहा हूं। मताधिकार हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त हमें एक ऐसा अधिकार है जो हमें राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास कराता है। मैं अपने मताधिकार से एक ऐसी सरकार चुनना चाहूंगा जो युवाओं में नवाचार को प्रोत्साहन देने की इच्छा शक्ति रखती हो, एक ऐसी सरकार जो प्रदेश में पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ भर्तियां करा सके, एक ऐसी सरकार जो प्रदेश में अपराध मुक्त वातावरण बनाने में सहायक हो। मैं अपने प्रदेशवासियों से यही अपील करता हूं कि देश प्रेम का भाव जगाकर सबको यह बतलाएंगे, अपने मताधिकारों से अच्छी सरकार बनाएंगे। मेरा नाम अर्पित कटियार है, पहली बार वोट देने जा रहा हूं और अपने सभी साथियों से जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमें सभी युवाओं को अपने मौलिक अधिकारों का पालन करना चाहिए। इतिहास में हम कई उदाहरण देख चुके हैं जब 1 या 2 वोटों की कमी से ही हम सरकार गिरते हुए और बनते हुए देख चुके हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मद्देनजर रखते हुए वोट डालना चाहिए। एक शेर याद आता है कि उसूलों पर जहां आ जाए वहां टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, इन नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ से बच के चलना है, कहाँ चलना जरूरी है। देश हमारा है इसे सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, ये देश हमारा है इसे सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, चुनाव वाले दिन मतदान करने जाएंगे, चुनाव वाले दिन मतदान करने जाएंगे, ये देश हमारा है। मतदाता पहचान पत्र को अपने संग हम रखेंगे, वृद्धों और दिव्यांग जनों को पहले सहारा हम देंगे। मतदाता पहचान पत्र को अपने संग हम रखेंगे, वृद्धों और दिव्यांग जनों को पहले सहारा हम देंगे, पहले सहारा हम देंगे। हर हाथ पे हो नीली स्याही, हर हाथ पे हो नीली स्याही, उत्सव सा इसे मनाएंगे, चुनाव वाले दिन मतदान करने जाएंगे। हमारा युवा आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोचता है, क्या समझ रहा है और क्या करना चाहता है, आइए उनके विचार हम आपको सुनाते हैं। मैं नरेंद्र कुमार ओझा, सभी देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जैसे होली दिवाली का उत्सव मनाते हैं, होली दिवाली का पर्व मनाते हैं, उस तरह से ये महापर्व में अपना मतदान जरूर करें। जैसे महाकुंभ में गंगा स्नान करते हैं 5 साल पे, वैसे ये हमारा लोकतंत्र पे मतदान करने का हमें जो अधिकार मिला है ये हर 5 साल पे एक बार हमें मौका मिलता है, इसका हमने जरूर उपयोग करना चाहिए। मेरा नाम रोशनी रावत है और ये हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि चुनाव आ गए हैं, मतलब हमारे लोकतंत्र का उत्सव आ गया है। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि कृपया वोट दें, क्योंकि जब हम वोट देते हैं तो ना सिर्फ हम अपना बल्कि अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने देश का भी भविष्य निर्धारित कर रहे होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी वोट दें, सजग होकर वोट दें। मेरा नाम आदित्य मिश्रा है और मैं आज आप सबके समक्ष एक गुजारिश करने के लिए आया हूं, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में मतदान चल रहे हैं, हमें अपना एक अमूल्य वोट
अवश्य करना चाहिए। हमें घर से जरूर निकलना चाहिए क्योंकि सत्य और ईमान से लोकतंत्र बनेगा मतदान से। इसलिए हमें अपना वोट अवश्य देना चाहिए क्योंकि एक एक वोट यह निर्धारित करता है कि हमारा लोकतंत्र कैसा होगा, हमें भविष्य में कैसी सुविधाएं मिलेंगी और हमारा जो शिक्षा है रोजगार उस पर कैसा कार्य होगा। इसलिए अपना मतदान अवश्य करें। मैं ठाकुर दुर्गा सिंह, 2022 विधानसभा का चुनाव चल रहा है और देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और सभी युवाओं के लिए। मैं पहली बार जो है चुनाव में इस बार मतदान करने जा रहा हूं और सारे युवाओं और छात्रों से यह विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस मतदान में भागीदार बनिए, भागीदारी करिए क्योंकि हमारा एक एक वोट हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो वोट हम जिस उम्मीदवार को करते हैं और कौन सी सरकार आने वाली है इसे हम तय करते हैं। तो आप सब लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट हुई है और मतदान करिए। मैं पवन कुमार वर्मा, सीतापुर से। मैं लोगों को प्रेरित करने के लिए कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोट को डालने से जरूर जाएं, तो मैंने अवधि और खड़ी बोली में एक गीत रचा है। तो मैं गीत के माध्यम से लोगों को एक संबोधित करना चाहता हूं। तुमसे विनती है हुजूर, तुमसे विनती है हुजूर, वाट जाए दे जरूर, तुमसे विनती है हुजूर, तो सोचो समझो भरपूर, सोचो समझो भरपूर, मूल जायो दे जरूर, तुमसे विनती है हुजूर, ओट जायो दे जरूर, तुमसे विनती है हुजूर, या क ओट के तुम अधिकारी, तुमसे हई सत्ताधारी, और तुम्हारे बिना न कबहू चली पाई गाड़ी या सरकारी, तुम्हारे बिना न कबहू चली पाई गाड़ी या सरकारी, तो बात मान लो हमारी, तुम हो देश के नूर, बात मान लो हमारी, तुम हो देश के रे नूर, तुमसे विनती है हुजूर, वोट जायो दे जरूर, कि मानती है सरकारें करती हैं अपनी मनमानी, मानती है सरकारें करती हैं अपनी मनमानी, और तुम्हारी समस्या कोई न समझाई ना समझाई परेशानी, तुम्हारी समस्या कोई न समझाई ना समझाई परेशानी, तो तुम्हारे ओट नाई देह से, कि तुम्हारे ओट नाई देह से समस्या होई ना कछ दूर, तुमसे विनती है हुजूर, वोट जायो दे जरूर, तुमसे विनती है हुजूर। चुनाव के संग संग कोविड का भी ध्यान हम सब रख लेंगे, दोनों टीके लगवा लेंगे, नाक और मुंह ढक लेंगे। चुनाव के संग संग कोविड का भी ध्यान हम सब रख लेंगे, दोनों टीके लगवा लेंगे, नाक और मुंह ढक लेंगे, नाक और मुंह ढक लेंगे, मतदान केंद्र पर हम, मतदान केंद्र पर हम कोविड के नियम निभाएंगे, चुनाव वाले दिन मतदान करने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, ये देश हमारा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार वोट डालना एक अनोखी फीलिंग होती है, लेकिन साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोकतंत्र में वोट डालना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा सबसे बड़ा अधिकार भी है। हमें जरूर आगे बढ़कर वोट डालना चाहिए और उत्साह हमें सीखना चाहिए इन युवा मतदाताओं से, जो बेहद ही उत्साहित होकर सोच चुके हैं कि उन्हें क्या करना है और वोटिंग के दिन कैसे अपने वोट को जाया नहीं करना है। उम्मीद है हमारे इस अंक से आपको भी ये सीख मिली होगी कि आप अपना वोट जाने ना दें, जरूर इसका इस्तेमाल करें और इस देश की प्रगति में अपना योगदान दें। इसी के साथ हमारा ये अंक समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि इस महापर्व में आप उत्साह के साथ भाग लेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनाव का आया त्योहार।
की बहीरे बया।